चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने ये जो है प्लास्टर का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि अपन ने जो है कहाँ पे जो है 6 mm का प्लास्टर करेंगे और कहाँ पे 12 mm का प्लास्टर करेंगे और कहाँ पे 15 mm का प्लास्टर करेंगे। ठीक है, अब आज अपने बात करते हैं कि सबसे पहले अपने 6 mm का जो प्लास्टर है ये कहाँ कहाँ पे करेंगे और एक्सेल के अंदर इसकी क्वांटिटी जो है वो किस तरह से अपने कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 6 mm का प्लास्टर, जैसे मैं आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान खोलता हूँ, ठीक है, ये अपना ग्राउंड फ्लोर प्लान है। 6 mm का जो मेरा प्लास्टर है वो कहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ जहाँ पे मेरा स्लैब है, ठीक है, उस वाले एरिया पे ही आपका जो है 6 mm का मेनली प्लास्टर होगा। ठीक है, बाकी मेरा वॉल्स वाला जो एरिया है, ठीक है, जो ब्रिक वाला एरिया है, उस पर सब पे आपका जो होगा वो होगा 12 mm का प्लास्टर या 15 mm का प्लास्टर। ठीक है, तो 12 mm या 15 mm के प्लास्टर के लिए अपने नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, और कौन सी वॉल पे 12 का होगा, कौन सी वॉल पे 15 का होगा, उसके लिए भी अपन स्पेशल पहले प्लानिंग करेंगे और उसके बाद में ही एक्सेल के अंदर डाटा को इनपुट करेंगे। ठीक है, आज बात करते हैं कि 6 mm का जो प्लास्टर है वो आपकी सारे स्लैब्स पे तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ पार्ट बचता है या कहीं पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार उसमें कन्फ्यूजन रह जाता है स्टूडेंट को। तो जैसे मान लो यहाँ पे अपने मास्टर बेडरूम है, ठीक है, मास्टर बेडरूम में यहाँ पे आपकी 200 mm की वॉल चल रही है और यहाँ पे आपकी 100 mm की वॉल चल रही है। ठीक है, इसका मैं आपको स्लैब वाला सेक्शन दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ पे अपना मास्टर बेडरूम है एग्जैक्टली, ये देखो यहाँ पे जो है स्लैब की बीम है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली बीम है। ठीक है, तो स्लैब का जो बीम है यहाँ पे अपना जो है मास्टर बेडरूम है इस वाले एरिया के अंदर। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से अगर मैं सेक्शन को कट करता हूँ, ठीक है, इसमें ये सेक्शन यहाँ तक कट कर रखा है बट मैं यहाँ तक कट नहीं करता हूँ, मेरी ये जो फर्स्ट वाली जो बीम आ रही है ये SB1, और यहाँ पे जो आ रहा है सेकेंड SB1, यहीं तक मैं सेक्शन को कट करता हूँ। ठीक है, तो किस तरह का आपको सेक्शन विजिबल होगा उसकी अपने बात करते हैं। देखो, तो आपको कुछ सेक्शन जो है इस तरह का विजिबल होगा। ठीक है, ये देखो मैंने एक जो डायग्राम बनाया है इसको देखो आप। ठीक है, सेक्शन 1 1 फॉर मास्टर बेडरूम, ये आपको सेक्शन कुछ इस तरह का विजिबल होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अपने को प्लास्टर जो करना है वो सारा प्लास्टर जो आपको करना है वो करना है आपको स्लैब्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैब जो है वो मेरी कहाँ कहाँ पे होगी, स्लैब जो है मेरी वो यही होगी जो इसकी डायमेंशंस है, जैसे मास्टर बेडरूम के डायमेंशंस है MM के अंदर 3600 × 3000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका एरिया निकल गया यहाँ पे स्लैब का, जहाँ पे आपको 6 mm का प्लास्टर करना है, यहाँ पे आपका एरिया निकल गया। ठीक है, सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करना है, सब में टॉयलेट है, बेडरूम है, जो भी है, हॉल है मेरा, कॉरिडोर है, एंट्रेंस है, सब जगह आप क्या करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करके इसका एरिया कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपका 6 mm का प्लास्टर होगा, सिंपल है कि स्लैब के नीचे होगा तो स्लैब जो है इसके इक्वल ही होगा। अब कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये रहता है, तो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कि जैसे मास्टर बेडरूम की ये जो लेंथ गिवन है, जो लेआउट में गिवन होगी, तो स्टार्टिंग में आपको जो लेआउट मिलता है, ठीक है, इसमें ये यहाँ वॉल से वॉल की जो डिस्टेंस है वो गिवन है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि स्लैब जो है वो तो मेरी यहाँ से बीम टू बीम होगी। ठीक है, और बिल्कुल आपका सोचना सही है, स्लैब जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी, देखो इस वाली बीम से लेके इस वाली बीम तक। ठीक है, यहाँ से ये आपकी बीम स्टार्ट हो रही है, ये बीम का जो सेक्शन है वो कितना है, ये बॉटम जो है 250 और ये जो है मेरा 350। ठीक है, या पहले वाले ड्राइंग्स को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले वाले वीडियोज में। ठीक है, ये मेरा स्लैब का जो बीम है वो कितना है, 250 mm, और ये 350 mm, और यहाँ पे भी मेरा जो स्लैब ये जो बीम है 250 × 350 का ही है। ठीक है, अब आपकी जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस इनर वाली जो है स्लैब की, जो स्लैब के जहाँ पे आपका प्लास्टर होना है, आपको ये सोच रहे हो कि प्लास्टर तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होना है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से पूरी लेंथ को कंसिडर क्यों करूँ। एक्चुअली देखो यहाँ पे आपकी दो तरह की मैं एक्सिस की बात करता हूँ, ये तो आपकी होगी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाली होगी वाई एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर जो यहाँ पे प्लास्टर होगा ये तो आपका आ जाएगा वॉल के अंदर। ठीक है, ये वाला आपका वॉल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका वॉल के अंदर आया, और बीम का ये वाला पार्ट जो है ये भी वॉल के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन स्लैब की बात करते हैं, स्लैब का इतना पार्ट तो जो है वो स्लैब के अंदर आएगा, बट ये वाला पार्ट भी अपन स्लैब के अंदर ही तो कंसिडर करेंगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बीम है इसका बॉटम है 250। ठीक
ठीक है, और वॉल लेआउट की 200 mm की, तो इतना पार्ट मेरा एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो 100 mm की वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे बीम का जो बॉटम है वो है 250 mm, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है वो बचता है 150 mm। ठीक है, तो ये 150 mm भी ऐड होगा किसमें, स्लैब वाली कैलकुलेशन में, और यहाँ से 50 mm भी होगा स्लैब वाली कैलकुलेशन में। तो एग्जैक्टली डिस्टेंस मेरे पास क्या बच गई, जो मेरी इनर टू इनर जो डिस्टेंस आएगी रूम की, वही तो डिस्टेंस आ गई ना टोटल। देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स वाली जो ये डिस्टेंस हो गई आपकी, प्लस ये वाली 50, प्लस ये वाली 150, तो ओवरऑल डिस्टेंस क्या होगी, मेरी रूम की इनर टू इनर वाली डिस्टेंस ही हो गई ओवरऑल स्लैब की जो मैं कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, और बीम का जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, ये वाली वॉल के कैलकुलेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरा जो है यहाँ कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा, मैं क्या करूँगा, जैसे बेडरूम के लिए ले रहा हूँ सपोज, किसी के लिए भी कैलकुलेशन मैं स्टार्ट करूँ, बेडरूम के लिए ले रहा हूँ 3000 मल्टीप्लाई 3600 है, तो मैं क्या करूँगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर दूंगा सिंपल। ठीक है, इस डायग्राम को एक बार और आप आराम से वीडियो को जो है रोक के और अच्छे से देखना, आपको पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मेनली जो डिस्टेंस है वो मैंने इनर टू इनर वॉल से क्यों लिए है, बीम से क्यों नहीं ली, ठीक है, क्योंकि मेरे को इस वाले एरिया पे भी क्या है प्लास्टर करना होगा, ये देखो जो एक्स्ट्रा वाला एरिया है इस पे भी प्लास्टर करना होगा। ठीक है, तो फिर जब हॉरिजॉन्टल इस पूरी डिस्टेंस को अगर कंसिडर करेंगे तो फिर मैं इस वाले एरिया को भी कंसिडर करूंगा, इसको भी कंसिडर करूंगा, इसको भी कंसिडर करूंगा, तो इनर टू इनर ये डिस्टेंस पूरा हो गया मेरा। ठीक है, और लेंथ जो है वो मेरी जो रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से अपना एक्सेल के अंदर चलता हूँ, और मेरा यहाँ पे देखो लास्ट अपन स्टेयर के शटरिंग किया था कैलकुलेट, उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप मैं डालता हूँ कि मेरा 6 mm का प्लास्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, 6 mm प्लास्टर, 6 mm का प्लास्टर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपने ले लेते हैं बेडरूम के लिए। ठीक है, बेडरूम के लिए मैं लेता हूँ। अब यहाँ पे प्लान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितने बेडरूम्स हैं आपके पास, क्योंकि बेडरूम्स जो हैं अपने पास यहाँ पे सेम साइजेस के 2 बेडरूम है, ये देखो इधर भी ये सेम साइज है और इधर भी ये सेम साइज है। ठीक है, तो 2 बेडरूम है मेरे पास। ठीक है, लेंथ है इसकी 300 और वेट है इसकी 3600, ये है 3000 mm के अंदर, mm के अंदर हो गया 3000 mm, और यहाँ पे हो गया 3600 mm। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सेल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बेडरूम की जो क्वांटिटी है मेरे पास 2 है, लेंथ जो हो जाएगी मेरे पास 3000 mm, यानी कि मीटर के अंदर मेरा हो गया 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे 3600, तो मीटर के अंदर मेरा हो गया 3.6 मीटर। ठीक है, ये मेरा एल और डब्ल्यू आ गया। ठीक है, और एल और डब्ल्यू मेरे को 2 ही डायमेंशन चाहिए, क्यों, क्योंकि आप जो है प्लास्टर जो आपका कैलकुलेट होगा वो स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होगा, 6 mm जो थिकनेस है वो आप उसमें कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, प्लास्टर में कभी भी जो कैलकुलेशन है वो वॉल्यूम में नहीं कैलकुलेट करते, ठीक है, क्यूबिक मीटर में नहीं कैलकुलेट करते, स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा पार्ट मैं लेता हूँ, चलो आगे चलते हैं प्लान के अंदर। ठीक है, यहाँ मेरा ये हो गया बेडरूम, उसके बाद देखो टॉयलेट, टॉयलेट का आपका साइज है 2400 मल्टीप्लाई 1200, इसका भी यही साइज है, पास वाले का भी यही साइज है 2400 मल्टीप्लाई 1200, और इधर जो है सेम सिमेट्रिक, क्योंकि मैंने बताया था 2 BHK है, तो सेम इधर भी सेम ही है इस तरह से, इधर भी वही साइज है 2400 मल्टीप्लाई 1200, इधर भी वही है 2400 मल्टीप्लाई 1200। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर ऑफ जो आइटम्स हो गए मेरे वो 4 हो गए, टॉयलेट मैंने लिखा यहाँ पे, नंबर मेरे हो गए 4। ठीक है, लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, लेंथ मेरी हो जाएगी 2400 mm, यानी कि मीटर के अंदर 2.4। ठीक है, और 1200 यानी कि 1.2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं चलता हूँ अपना, नेक्स्ट देखो प्लान के अंदर क्या है, नेक्स्ट प्लान के अंदर अपना है मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम नंबर ऑफ क्वांटिटीज 2 हुई, एक इस साइड दोनों का साइज जो है सेम है, तो यहाँ इसका साइज हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई 3000 है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम। ठीक है, ये मेरा आइटम हो गए 2। ठीक है, इसके बाद इसका 3600 आपका एमएम है तो मीटर के अंदर हो जाएगा 3.6, 3000 mm के अंदर है तो मीटर के अंदर हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं मेरी बात करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है आपका नेक्स्ट जो है, देखो बेडरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया, किचन ले लेते हैं, हॉल ले लेते हैं। ठीक है, किचन भी मेरे 2 हो गए, 2100 मल्टीप्लाई 3000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्सेल के अंदर जाता हूँ, किचन मेरे हो गए 2। ठीक है, 2100 मल्टीप्लाई 3000, 2100 जो है वो आपके किसके अंदर है, 2100 जो क्वांटिटी है वो आपकी एमएम के अंदर है, मीटर के अंदर हो जाएगी 2.1। ठीक है, और उसके बाद
3000 mm मीटर के अंदर हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हॉल की, ठीक है। हॉल मेरे पास कितने हैं प्लान के अंदर? प्लान के अंदर मेरे पास हॉल जो हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे प्लान के अंदर मेरे पास दो हॉल हैं, ठीक है। 3300 × 5250, ठीक है। 3300 यानी कि आपका एक हॉल जो नंबर ऑफ ये तो हो गए दो, 3300 यानी कि मीटर के अंदर हो गया 3.3, ठीक है। और 5250 यानी कि मीटर के अंदर हो गया 5.25, ठीक है, 5.25। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेरा प्लान के अंदर क्या है। जहाँ पे अपने को 6 mm का प्लास्टर करना है, ठीक है, तो स्लैब पे ही करना है, तो स्लैब की ही बात हो रही है सब जगह पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा ये कॉरिडोर आ रहा है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे तो मैं करूँगा नहीं, यहाँ मेरा स्टेयर कैसा आ रहा है, यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। कॉरिडोर की बात करता हूँ, कॉरिडोर का साइज देखो कितना है, ये आपका पूरा यहाँ से 2400 × 3700, ठीक है, 2400 × 3700। और कॉरिडोर जो है दोनों के लिए कॉमन है, तो कॉरिडोर की क्वांटिटी मेरी एक ही होगी, राइट। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कॉरिडोर, कॉरिडोर इसकी क्वांटिटी मेरी एक ही है, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है वो कितनी हो गई, 2400, तो मीटर के अंदर अपना हो गया 2.4, ठीक है, और 3700 तो वो मीटर के अंदर हो गया 3.7, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो है प्लान के अंदर चलते हैं। प्लान के अंदर आपका इसी तरह से आप भी एक प्रोजेक्ट ले लेना, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी आपका यहाँ पे है उन चीज़ों का कंसिडर करते रहना। यहाँ पे देखो ये आपका एंट्रेंस है, ठीक है। एंट्रेंस पे भी आपका जो यहाँ पे स्लैब है, तो इस स्लैब का कितना हो जाएगा, देखो ये तो सेम रहेगा, 2400 × 3700 यहाँ पे था, ये 2400 है, तो इधर भी 2400 ही रहेगा, और ये मेरा हो जाएगा 1300, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1300, 2400 × 1300। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एंट्रेंस पैसेज, दोनों के लिए कॉमन है तो क्वांटिटी एक ही रहेगी। एंट्रेंस पैसेज दोनों के लिए एक ही है तो क्वांटिटी मेरी रहेगी 1, ठीक है। और उसके बाद जो मेरी 2400 लेंथ आ रही है, तो वो भी मीटर के अंदर 2.4, एंड ये मेरी आ रही है, दोबारा प्लान में देखते हैं एक बार कितनी आ रही थी, ये आ रही है आपकी 1300, 1300 देन तो मीटर के अंदर हो गया 1.3, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1.3, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके, और देखो कि आपका प्लास्टर कहाँ कहाँ पे होगा और कहाँ कहाँ पे स्लैब आ रहा है आपका, ठीक है। ये देखो मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देखो अपन ने यहाँ से बेडरूम ले लिए, टॉयलेट ले लिए, ये सब ले लिया, किचन ले लिया, कॉरिडोर ले लिया, यहाँ पे भी ये स्लैब ले लिया। अब देखो बालकनी वाला एरिया बचता है, ठीक है। यहाँ पे भी तो जो है आपका क्या होगा, प्लास्टर होएगा, नीचे वाले बॉटम पे प्लास्टर होगा बालकोनी के, यहाँ पे भी बॉटम पे प्लास्टर होगा, तो यहाँ पे बालकोनी का साइज है 3700 × 1600, और पीछे वाली जो दो बालकोनी आ रही है उनका साइज अलग है, ठीक है। तो मैं दो 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 बना लेता हूँ, बालकोनी जो है 1, या बालकोनी फ्रंट और बालकोनी रेयर, ठीक है। तो बालकोनी फ्रंट का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, चलिए तो वापस एक्सेल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ बालकोनी, बालकोनी फ्रंट एंड बालकोनी रेयर, ठीक है, पीछे वाले साइड। आगे वाले मेरे साइज जो है दो है, तो इसका साइज देखो क्या है, इसका साइज जो है 3700 × 1600, 3700 यानी कि 3.7, 1600 यानी कि हो जाएगा 1.6, ठीक है। अब पीछे का साइज चेक करते हैं कितना है, पीछे वाली बालकनी का जो साइज है, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको, 2550 × 1500, 2550, 2550 यानी कि 2.55 × 1500 यानी कि 1.5, ठीक है। नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है वो मेरी 2 है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ तक जो भी है, ये वाला पार्ट तो सारा कवर हो गया है। देखो आप आराम से देखो इसको, सारा जो अभी आपका फ्लोर प्लान है उसको आराम से देखो, सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपको जो है प्लास्टर करना है स्टेयर वाले पार्ट पे, ठीक है। स्टेयर में आप कहाँ कहाँ पे प्लास्टर करोगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टेयर पे प्लास्टर के लिए स्टेयर में प्लास्टर के बात करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ स्टेयर वाली ड्राइंग को ओपन कर देता हूँ आपके लिए। सेकंड स्टेयर केस का ये रहा लेआउट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, कहाँ कहाँ पे प्लास्टर होगा आपका, आपके स्टेप पे भी प्लास्टर होगा, ठीक है, आपका वेस्ट स्लैब पे भी प्लास्टर होगा, आपका यहाँ लैंडिंग वाली जगह भी प्लास्टर होगा,
और यहाँ पे थोड़ा सा मिडिल एंडिंग बीम का जो पोर्शन यहाँ पे बाहर निकला है, यहाँ पे भी थोड़ा सा प्लास्टर होगा, ठीक है। तो मैं कल क्या करता हूँ, अलग अलग पार्ट में इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। वेस्ट स्लैब की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। वेस्ट स्लैब के मेरे पास दो नंबर हो जाएंगे, एक यहाँ पे प्लास्टर होगा, एक यहाँ पे प्लास्टर होगा, ठीक है। इसमें ये जो वॉल वाला साइड है, इधर इधर दोनों तरफ यहाँ प्लास्टर नहीं होगा। प्लास्टर कहाँ पे होगा, सिर्फ इसी 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 जगह पे ही होगा, क्योंकि जो साइड आपकी वॉल के अंदर अटैच हो गई है वहाँ पे तो आपका प्लास्टर होगा नहीं, ठीक है। तो प्लास्टर आपका कहाँ पे होगा, ओनली वहाँ पे जहाँ आपको ओपन वाली साइड दिखाई दे रही है, यहाँ पे प्लास्टर होगा और यहाँ पे प्लास्टर होगा। इसका जो दूसरा साइड है वो तो वॉल के अंदर मर्ज हो जाएगा, तो उस पर प्लास्टर नहीं होगा, ठीक है। तो वेस्ट स्लैब को मैं लेता हूँ, वेस्ट स्लैब एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, दो क्वांटिटी हो गई मेरे पास, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब कैलकुलेशन जो स्टार्ट हो रही है वो स्टेयर केस के बारे में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेयर केस लिख के, या थोड़ा सा आप इसको कुछ येलो वगैरह दे दो तो पता चल जाए आपको कि अब स्टेयर केस की जो है कहानी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो वेस्ट लैब की मैं बात करता हूँ, वेस्ट लैब, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरे पास दो हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे वेस्ट लैब की दो हो गई, ठीक है। अब आप बात करोगे इसकी टोटल लेंथ की, देखो लेंथ और विड्थ की मैं बात करता हूं, दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूं। ये रहा मेरा जो प्लान है, ठीक है। अब वेस्ट लैब के पहले बात करते हैं बॉटम पे, वेस्ट लैब के बॉटम पे पूरे पे होगा, यानी कि ये वाला एरिया पूरा आ जाएगा और ये वाला एरिया भी पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो 1175 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये वाली जो मेरी लेंथ है उससे, ठीक है। और मेरी वेस्ट स्लैब की जो टोटल लेंथ है वो अपन ने पीछे कैलकुलेट कर रखी है, ये देखो यहाँ पे आओ, ये मेरी वेस्ट स्लैब की लेंथ थी, मैंने यहाँ कैलकुलेट करी थी 2.62, ठीक है, याद आ गया। तो इन दोनों को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। तो वेस्ट स्लैब की मेरी बॉटम के लिए टोटल एरिया मेरा मैंने कैलकुलेट यहाँ पे कर लूंगा, जहाँ जहाँ पे मेरे को प्लास्टर करना है, ये देखो आप यहाँ पे सेकेंड, ये रहा सर, ठीक है। इस वाले पूरे एरिया पे आपका होगा, तो ये वाली लेंथ 1175 मल्टीप्लाई ये वाली लेंथ, ठीक है। ये वाली लेंथ प्लान में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और सेक्शन व्यू में ये वाली लेंथ ये वाली होगी, जहाँ पे मैं कर्सर को रोल कर रहा हूँ, ठीक है। पहले वाली क्लासेस में भी अच्छे से डिस्कस कर रखा है इस चीज के बारे में, तो ये मेरा हो जाएगा वेस्ट लैब, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं लैंडिंग पे, यहाँ पे लैंडिंग वाली जगह आपका क्या होगा, यहाँ पे भी आपका प्लास्टर होगा। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस क्या है 1200 लूंगा, 1200 तो ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो 250 mm आपका क्या है, 250 mm आपका यहाँ पे लैंडिंग बीम का यहाँ पे बॉटम हो जाएगा, जिसमें से 200 mm जो है वॉल के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 50 mm। तो 50 mm भी मैं हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन में ऐड करूंगा, जैसे मैंने इसके अंदर आपको समझाया था, ठीक है। इस वाले कॉपी में मैंने जो डायग्राम के अंदर आपको समझाया था कि पूरी लेंथ जो है इनर ट्विनर क्यों लेंगे, क्योंकि ये सारी जो मैं क्या करूंगा, सारी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को ऐड कर दूंगा। ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाली भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाली भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। सिमिलरली क्या होगा, इसमें भी वही चीज़ होगी। ये देखो यहाँ पे 1200 पूरा लैंडिंग वाली जगह आपका होगा प्लास्टर, और 50 mm मेरा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 50 के बाद क्या होगा, 200 mm की मेरी वॉल आ जाएगी, ठीक है। तो 1250 हो जाएगा मेरा। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ, यहाँ पे आप लिखो लैंडिंग, लैंडिंग के लिए लैंडिंग की तो क्वांटिटी जो है वो तो बनी रहेगी, ठीक है। और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ यहाँ देखो, लेंथ यहाँ से कितनी हो जाएगी, लेंथ तो आपकी 2400 ही रहेगी ये तो, ठीक है। ये वाली आपकी 2400 ही रहेगी, और ये भी आपकी 1200 ही होनी चाहिए थी, प्लास्टर जो है 2400 पे 1200 पे ही होना था, ठीक है। बट थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ का ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ का ऐड करना पड़ेगा इस वाला, क्योंकि वॉल जो है वो आपकी है 200 mm की, ठीक है। वॉल जो है वो आपकी 200 mm, और जो आपका बॉटम जो है वो 250 mm, तो यहाँ पे 50 mm एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो वो उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 1250 2400 मल्टीप्लाई 1250, तो 2400 यहाँ पे हो जाएगा 2.4, ठीक है। और 1250 मेरा हो जाएगा, जब मैं 1250 को मीटर के अंदर चेंज कर लूंगा तो हो जाएगा 1.25, ठीक है। लैंडिंग हो गई मेरी। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो साइड फेस, ये मेरी साइड फेस बचेगी वेस्ट लैब की, साइड फेस ऑफ वेस्ट स्लैब, ठीक है। साइड फेस मेरी जो है कौन कौन सी हो जाएगी देखते हैं, डायग्राम के अंदर आओ,
साइड फेस मेरी यहाँ पे ये एक हो गई, ये दो हो गई, इसको भी अपन ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। वो डायग्राम याद है आपको? रुको, मैं वो डायग्राम ओपन कर देता हूँ आपके लिए, जिसमें अपन ने इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। ये देखो, वेस्ट स्लैब और स्टेप्स को, ये अपने स्टेप्स चल रहे हैं ऊपर, नीचे मेरी वेस्ट स्लैब चल रही है, इसको अपन ने यहाँ पे बीच में रेड वाली लाइन मार्क करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो पहले मैं नीचे यहाँ पे कितना मेरा प्लास्टर होगा उसको कैलकुलेट करता हूँ, फिर स्टेप्स पे कितना प्लास्टर होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो साइड्स जो मेरी दो हो गई, एक तो ये वाली हो गई, एक यहाँ एक ऊपर वाली हो गई। जो वॉल्स की साइड में है उन पर तो कोई प्लास्टर होगा ही नहीं, जैसा मैंने पहले समझा दिया आपको। ठीक है, एक फेस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा वॉल वाली तरफ होगा, उसका प्लास्टर नहीं होगा। तो एक मेरा यहाँ प्लास्टर होगा, एक मेरा यहाँ प्लास्टर होगा। देखो, एक यहाँ से सीढ़ी आपकी यहाँ से ऊपर चल रही है, एक यहाँ प्लास्टर होगा, एक यहाँ ऊपर की तरफ प्लास्टर होगा, इधर और इधर वाला पोर्शन आपका वॉल के अंदर चला जाएगा। तो वेस्ट लेंथ, ये वाली लेंथ मेरे को पता है, ठीक है, और थिकनेस मेरी 150 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको मार्क करता हूँ, नंबर हो गए मेरे पास दो। ठीक है, लेंथ मेरे पास ये हो जाएगी 2.62, कंट्रोल बी, और यहाँ पे मेरा ये कितना हो जाएगा, डेप्थ जो मेरा कितना हो जाएगा 150 mm, यानी कि मीटर के अंदर 0.15। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बात करता हूँ साइड फेसेस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, साइड फेसेस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे भी साइड फेस नहीं है, दो फेसेस हैं, तो साइड फेसेस करो इसको। यहाँ पे दो हो जाएगा, ये भी दो हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप्स जो है, आपको स्टेप्स में पता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सिंपल, जो अपन ने पहले लगाया था, जो यूज करते आ रहे हैं ट्राइंगल के लिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट में यूज करूंगा। पहले नंबर काउंट कर लो, कितने नंबर पे आपको करना पड़ेगा प्लास्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 9 मेरे पास हो गए टोटल 18। ठीक है, 18 मेरे पास नंबर हो गए। ठीक है, बेस मेरा हो गया 250, हाइट मेरी होगी 150। ठीक है, तब तो फॉर्मूला बना लेता हूँ मैं अपना आराम से। तो यहाँ पे साइड फेसेस ऑफ स्टेप्स जो हैं वो टोटल जो हो गए वो हो गए 18। ठीक है, उसके बाद इन दोनों शेल्स को यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाता हूँ इक्वल्स टू का साइन, ठीक है, देन ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपका 250 mm जो है उसका बॉटम हो गया। ठीक है, तो हो गया 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0.15, ब्रैकेट क्लोज, देन उसको आपको डिवाइड करना है 2 से। जो आपका बचपन से पढ़ते आ रहे हो ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था वही लगाया मैंने, बेस इंटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, और ये एंटर किया तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो अब आपका ये सारा जो पार्ट कैलकुलेट हो गया है, ये अपन ने सारा 6 mm का प्लास्टर जहां जहां पे होगा वो चीज को कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके अंदर आपका सिर्फ छज्जे वाला कैलकुलेशन बाकी रहा है कि आपका जहां जहां पे छज्जा आएगा वहां वहां पे भी प्लास्टर होगा। ये देखो, यहाँ पे इसके अंदर छज्जे वाला पार्ट बचा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये रहा आपका छज्जे वाला पार्ट, इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर प्लान के अंदर। अब देखो छज्जा आपका कहाँ कहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, ये सब अपन ने वैसे इसकी क्वांटिटी पहले भी काउंट कर रखी है। ठीक है, तो छज्जा जो है इसकी अब कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेटिंग डालता हूँ यहाँ पे छज्जे के लिए, छज्जे के लिए मैं देखो कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी, इस इमेज से आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इमेज आपने पहले भी देख रखी है, ठीक है, लास्ट वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, अब इसमें प्लास्टर कहाँ कहाँ होगा? प्लास्टर मेरा टॉप पे भी होगा, मेरा बॉटम पे भी होगा, मेरी दोनों साइड फेसेस पे भी होगा और मेरी फ्रंट फेस पे भी होगा। तो मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ छज्जे वाली कैलकुलेशन को। मेरा टॉप पार्ट, देन मेरा बॉटम पार्ट, देन मेरी दो साइड फेसेस हो गई, देन उसके बाद मेरी ये वाली फ्रंट फेस हो गई। बाकी एक जो फेस है वो तो आपकी वॉल से कनेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ छज्जे वाली कैलकुलेशन को। छज्जे वाली कैलकुलेशन को मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे इसको येलो कर दो, क्योंकि अब जो है अलग से थोड़ा सा नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है छज्जे वाला। अब छज्जे को मैं पहले टॉप पार्ट को कैलकुलेट करता हूँ, टॉप को मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप के छज्जा हो सकते हैं टॉप के अंदर, एक तो जो W1 वाले हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा, पिछले क्लासेस में अपन उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, W1 और W2। ठीक है, W1 का साइज अलग है, W2 का साइज अलग है। ठीक है, तो W1 पे जो बने हुए हैं वो देखो वो कितने टाइप के हैं, ये देखो W1 पे जो बने हुए हैं, यहाँ पे W1 पे बना हुआ है, ठीक है, छज्जा बना हुआ है। यहाँ पे W1 विंडो है बट यहाँ पे छज्जा नहीं है। ठीक है, तो एक हो गया यहाँ पे W1 और दूसरा यहाँ पे ये हो गया W1, इस साइड में भी एक हो गया, ठीक
एक यहाँ पीछे हो गया, देखो डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन, तो टोटल डब्ल्यू वन जो है वो चार हो गए, टोटल मेरे पास जो है वो चार हो गए, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से आप डब्ल्यू टू को भी चेक करना, डब्ल्यू टू जो है मेरे पास जहाँ पे छज्जा बना हुआ है डब्ल्यू टू विंडो पे, वो मेरे पास टोटल है नंबर एट, ठीक है। अब इसका जो साइज है वो अपना क्या है, पहले वाले आपने कैलकुलेशन कर रखी है वहीं से आप निकाल लेना, 1.7 × 0.6, ये देखो यहाँ पे 3D डायग्राम के अंदर मैं दिखाता हूँ, ये मेरा टोटल 1700 mm है, तो मीटर के अंदर कितना हो गया 1.7, और ये वाली जो मेरी लेंथ है ये 600 mm है, ये देखो ये जो है मेरी 600 mm है, ठीक है। तो टॉप का एरिया टोटल कितना हो गया 1700 × 600, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया 1700 × 600 यानी 1.7 और 0.6 ये हो गया मीटर के अंदर, और डब्ल्यू टू के ऊपर जो छज्जा है वो थोड़े से छोटे होंगे, उनका साइज अलग है, तो वो 1.1 के हैं यानी कि 1100 mm के, और यहाँ पे उसका जो साइज है वो 0.6 ही है, ठीक है। उसके बाद अब मैं टॉप का मेरा काम हो गया, मैं बॉटम की बात करता हूँ, बॉटम की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉटम के अंदर क्या होगा, सेम टू सेम ये कैलकुलेशन होगी, तो पूरा आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, क्योंकि बॉटम के अंदर भी तो छज्जे का एरिया जो है वो बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साइड फेसेस की, साइड फेसेस कौन सी, लेफ्ट एंड राइट फेस बोल लो या साइड फेस बोल लो, मैं लेफ्ट एंड राइट लिख देता हूँ, लेफ्ट एंड राइट फेसेस, लेफ्ट एंड राइट फेसेस, ठीक है। इसमें भी दो टाइप की चीजें हो जाएगी, डब्ल्यू और डब्ल्यू टू के लिए कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल बी, लेफ्ट एंड राइट फेसेस कौन सी, एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये लेफ्ट वाली फेस है, ये राइट वाली फेस है, ठीक है। तो इनका अपन ने कैसे कैलकुलेट किया था, 100 और 125 का मैं क्या करूंगा, एवरेज लूंगा, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है ये तो मेरी 600 है ही, फिक्स है, तो वही काम करेंगे अपन। एक्सेल के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे जो है ये मेरा सेम रहेगा, आठ और ये जो चल रहा है ना, आठ और साइड फेसेस मेरी हो जाएगी। हाँ देखो अब यहाँ पे साइड फेसेस यहाँ पे चार थी, बट इसमें दो 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 साइड में आपको करना है, तो कितनी हो जाएगी टोटल, आठ हो जाएगी, तो ये भी दो 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 साइड में करना है तो 16 हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों में करूंगा मैं, तो ये देखो यहाँ पे क्वांटिटी चार है, यहाँ पे मैंने आठ कर दी, डबल कर दी, क्यों, क्योंकि मैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड में करूंगा। डब्ल्यू डू की कितनी कर दी, 16 कर दी मैंने, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे मैं लेंथ की बात करूंगा, तो लेंथ आपका रहेगा 0.6, यहाँ पे 0.6 आपका लेंथ बन जाएगा, ये देखो डायग्राम के अंदर ये 0.6 मेरा लेंथ रहेगा, चाहे लेफ्ट के लिए बात करूँ चाहे राइट के लिए मैं बात करूँ, 0.6 ये भी मेरा हो जाएगा 0.6। देन अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, इस दोनों के एवरेज को कैलकुलेट करें, तो एक प्लस टू का साइन लगाऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बनाऊंगा, ठीक है। एक मेरा जो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे 125 mm है, ठीक है, 125 मेरा mm है, तो ये आपका मीटर के अंदर कितना हो जाएगा, ठीक है, 125 mm है, उसको मीटर के अंदर मैं चेंज करता हूँ, मीटर के अंदर ये मेरा हो जाएगा 0.125 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 100 mm, तो मीटर के अंदर हो जाएगा 0.1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मेरा ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, देन डिवाइड करता हूँ दो से, तो मेरा ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है, सेम ये चीज़ यहाँ नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा लास्ट बचता है फ्रंट वाला फेस, ये लास्ट मेरा बचता है फ्रंट वाला फेस, ये देखो यहाँ पे ये आपका फ्रंट वाला फेस है, फ्रंट वाला फेस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लेंथ हो जाएगी वो 1700 mm हो जाएगी, और हाइट जो है वो 100 mm हो जाएगी, बस पुट कर देते हैं इसको, डब्ल्यू और डब्ल्यू टू दोनों के लिए अलग अलग होगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने क्या कंट्रोल बी, ठीक है। इसके लिए जो है नंबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि अभी ये एक ही है फ्रंट वाली साइज, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 1.7, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 0.1, इसके लिए लेंथ हो जाएगी 1.1, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 100 mm यानी कि 0.1, ठीक है, ठीक है। दो टाइप के छज्जा है अपने पास, डब्ल्यू और डब्ल्यू टू के लिए, डब्ल्यू वन के अंदर जो है इनको आप ड्राइंग को थोड़ा सा आराम से रीड करोगे तो ये चीज़ देखो आराम से आपको समझ में आ जाएगी, ये देखो यहाँ पे छज्जा जो है डब्ल्यू और डब्ल्यू टू के दो साइजेस दे रखे हैं विंडो के, कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा आपको मैं वैसे तो लास्ट वीडियोज में बता रखी है सब चीज़ें, फिर रिवाइज कर देता हूँ। देखो डब्ल्यू वन है मेरा 1.5, ठीक है, तो क्या हुआ छज्जा जो है 100 100 mm दोनों तरफ एक्स्ट्रा है, तो मेरा यहाँ पे 1.7 हो गया, डब्ल्यू टू का साइज है 0.9, तो छज्जा मेरा 100 100 mm दोनों तरफ ज़्यादा है, तो कितना हो गया 1.1 हो गया, ये देखो यहाँ पे डब्ल्यू टू में क्या हो गया 1100 × 600, और डब्ल्यू वन के अंदर क्या है 1700 × 600, ऐसे यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, 100 mm आपको दोनों तरफ से खुद ऐड नहीं करना है, आपको ड्राइंग में मेंशन होगी ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे इसका साइड व्यू भी मेंशन है, देखो यहाँ पे ये देखो छज्जे का यहाँ साइड व्यू भी आपको मेंशन है, ये 600 आ रहा है इस तरह से, ठीक।
अब आपका यहाँ पे सारा कैलकुलेशन पूरा होता है। अब मैं इसको मल्टीपल फॉर्मूला बना लेता हूँ। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू का साइन, देन नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लेंथ से, देन मल्टीप्लाई विड्थ से, देन एंटर प्रेस किया, देन ये चीज आ गई आपकी 21 पॉइंट, ये ठीक है। अब यहाँ तक तो देखो मेरे को एकदम सेम फॉर्मूला बनाना है स्टेज से पहले तक, तो ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में दोबारा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये सब क्वांटिटीज आ रही है मेरी किसके अंदर आएगी, स्क्वायर मीटर के अंदर। शटरिंग का जो प्लास्टर का जो क्वांटिटी है स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे मैं फॉर्मूला बनाऊंगा इक्वल्स टू का साइन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो मेरे क्या होगा, वेस्ट स्लैब का बॉटम पे जहाँ जहाँ पे अपना प्लास्टर होगा वो चीज़ आ गया, ठीक है। अब लैंडिंग का कैलकुलेट करूँगा, लैंडिंग का भी सेम ही आ जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे से पूरा सेम आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दोबारा लगाना पड़ेगा इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन, देन नंबर मल्टीप्लाई आपका लेंथ मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या होगा, इसकी डेप्थ थी 150 mm यानी कि मीटर के अंदर 0.5, इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई किया मैंने, एंटर, ठीक है। उसके बाद लास्ट मेरा साइड के जो स्टेप्स हैं उसमें इक्वल्स टू का साइन, देन नंबर मल्टीप्लाई जो आपका ट्राइंगल का एरिया मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है, 18 तो ट्राइंगल्स के एरिया हो जाएंगे, तो टोटल आ जाएगा आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूँगा इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू का साइन, देन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एंटर, ठीक है। इसी को सेम मैं यहाँ पे नीचे तक रिपीट कर देता हूँ, ये आपका यहाँ पे रिपीट हो गया। यहाँ पे जहाँ पे क्वांटिटी नहीं है वो 0 आ रहा है, उसको मैं हटा भी देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट के साथ प्लस को मैं प्रेस करता हूँ, और आपको यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक करके पीछे लेके जाना है, क्योंकि तो पीछे काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ को आपको कंसिडर करना है इसमें। ये देखो ये सारी क्वांटिटीज़ को मैं कंसिडर करता हूँ, जहाँ जहाँ पे 6 mm का प्लास्टर होगा, ये सब कंसिडर किया, देन एंटर प्रेस किया, देन आपका आ रहा है 165.64, ठीक है। थोड़ा सा इनको सारा को अच्छे से इक्वल सेट करने के लिए आपको डेसिमल्स को सेट करना रहता है, दो दो डिजिट तक सेट कर दो, तो मैं इस तरह से इसको सेट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे 2 डिजिट तक इस तरह से मैंने सेट कर दिया। तो अब ये क्या है, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर मीटर को आप नीचे तक ड्रैग कर लो, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे आपकी क्वांटिटी नहीं है वहाँ वहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है मेरी, यहाँ क्वांटिटी नहीं है मेरी, यहाँ पर भी क्वांटिटी नहीं है, इसको हटा देते हैं, यहाँ क्वांटिटी नहीं है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आज वाली क्लास को एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। 6 mm का प्लास्टर अपना कहाँ कहाँ पे होगा, बेडरूम, टॉयलेट, मास्टर बेडरूम, किचन, ये सब का अपने लेंथ और विड्थ ही कंसिडर करना है। लेंथ और विड्थ डायरेक्टली लेंथ और विड्थ पे ही आपका टोटल प्लास्टर होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए आप प्लान को अच्छे से देखो कि प्लास्टर आपके इसके अलावा और कहीं नहीं होगा 6 mm का, क्योंकि जहाँ पे कॉन्क्रीट होगा वहीं पे आपका होगा, ठीक है। लेंथ और विड्थ अपन ने पूरा क्यों लिया है, ठीक है, इस वाले डायग्राम में मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, इसको भी थोड़ा सा आप एक बार ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा आपको फिर भी कहीं लगे कि कोई प्लास्टर बन जाता है तो एक आधा क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, बट 99% केसेस में ये वाली कैलकुलेशन देके चलाओ, आपके हाथ प्रोजेक्ट मोस्टली आरसीएस से रिलेटेड जो सब प्रोजेक्ट है वो सारा इससे सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये वाला मेथड लेके चलो आप, ठीक है। इसमें अब देखो एक्स डायरेक्शन में जो है सारी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है वो देखो ऐड हो गई, ये प्लस ये प्लस ये, तो लेंथ ये पूरी ऐड हो गई, ठीक है। अब आप वाई डायरेक्शन के अंदर जो है वो सारी वॉल के अंदर कंसिडर होगी, इस पे जो प्लास्टर होगा वो वॉल के अंदर आ जाएगा, इस पे भी जो प्लास्टर होगा वो वॉल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी मैं बात फिर वॉल के अंदर करूंगा, ठीक है। तो ये अपना 6 mm का प्लास्टर यहाँ सब जगह हो गया, स्टेयर के अंदर जहाँ जहाँ पे होना था वहाँ वहाँ पे हो गया, छज्जे के ऊपर जो प्लास्टर होना था वो सब हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम अपने इसको थोड़ा सा कॉपी करके लिख लेते हैं, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ, कंट्रोल बी, और यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, 6 mm की मेरी प्लास्टर की जो है क्वांटिटी आई है वो टोटल आ गई है, ठीक है, 6 mm प्लास्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फिनिशिंग का जो है वो काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नया काम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे भी आप कैसे, यहाँ पे एक नई हेडिंग भी डालो कि फिनिशिंग का काम स्टार्ट हुआ है। फिनिशिंग के अंदर अपने आज काम स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे मेरा फिनिशिंग का काम स्टार्ट हुआ है। इसमें सबसे पहले अपन ने बात की है कि 6 mm का प्लास्टर कहाँ कहाँ होगा, उसकी कंप्लीट क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट कर दी है। अब अपन करेंगे 12 mm का प्लास्टर कहाँ कहाँ होगा, 50 mm का प्लास्टर कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें फिनिशिंग में होगी, ठीक है। तो आज वाली क्लास से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, डाउट आए, तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, और क्लास को अब ओवर करते हैं।
6 mm के प्लास्टर की अपने पास कंप्लीट क्वांटिटी कैलकुलेट हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।